हुडकेश्वर थाना क्षेत्र के सरस्वी नगर में हत्या की घटना सामने आई है। आरोपियों ने जय किशन नामक व्यक्ति पर फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या होने की जानकारी हुडकेश्वर पुलिस द्वारा दी गई है। हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात जय किशन श्याम जानोकर उम्र 28 साल की हत्या की वारदात सामने आई है। मृतक जय किशन के बहनोई नितेश शंकर राव सोनाने उम्र 24 साल ने प्रॉपर्टी के विवाद में ये हत्या की है, ऐसी जानकारी हुडकेश्वर पुलिस द्वारा दी गई है। रात में थाना हुडकेश्वर अंतर्गत सरस्वती नगर प्लॉट नंबर 27 यहाँ पे जय किशन श्याम जानोकर उम्र 28 साल इनकी हत्या हुई है। ये आरोपी उनके बहन का पति है नितेश शंकर राव सोनावने, ये 24 साल का है। ये मृतक जय किशन और उसकी बहन प्रिया, इनमें प्रॉपर्टी से संबंध में वाद विवाद चालू था। इससे पहले भी थाने में उनकी रिपोर्ट आई थी, जय किशन पे तब प्रिवेंटिव एक्शन ली गई है। रात में करीब 12 बजे के करीब प्रिया और जय किशन में झगड़ा चालू था, तब थोड़ा वाद विवाद बढ़ने के कारण नितेश ने फावड़े से जय किशन के सर पे वार किया है, उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी खुद होके थाने में आया है और उसने जो वारदात की है उसके बारे में रात्रपाड़ी अधिकारी को बताया है। उन्होंने स्पॉट पे जाके देखा तो जय किशन पड़ा हुआ था, उनसे लखपत। पूरा मामला ऐसा है कि मृतक की बहन और मृतक में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू था। इसी बात को लेकर बीती रात मृतक और मृतक के बहन में विवाद हुआ। इसी बीच आरोपी नितेश ने मृतक के सर पर फावड़े से वार किया, जिसमें मृतक जय किशन की मृत्यु हुई। आरोपी ने हत्या कर पुलिस थाने में पुलिस को सारी हकीकत बयां की। पुलिस ने जांच कर आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।